डो नॉट फॉलो द मेजोरिटी, फॉलो द राइट वे। यानी गाइस अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, स्कूल टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो गाइस आपको औरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा, औरों के मुकाबले कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो चलिए गाइस इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस क्लास 11th अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर 27 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, चैप्टर हमारा चल रहा है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर हम जिसे कैश बुक भी बोल देते हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 26 में हमने कैश बुक का गाइस मीनिंग देखा था, कैश बुक क्यों बनाई जाती है, कितनी तरह की कैश बुक होती है, कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, ये सब हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार जाके इससे प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम जो है गाइस यानी कि वीडियो नंबर 27 में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो जो है गाइस क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर, क्योंकि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस किया था और आपसे कहा था कि आगे आने वाली वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इसी फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन भी बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे जो है गाइस आपको क्वेश्चन दे रखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, यानी कि जितने भी आपको ट्रांजेक्शन दे रखे हैं ये आपको कहाँ पे एंटर करनी है, ये सारी आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में एंटर करनी है। ठीक है, आपका जो ईयर है वो 2017 है और मार्च 1st को एंट्री दे रखी है कि आपने जो है गाइस स्टार्ट किया है बिजनेस, यानी कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश लगा के आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। और हाँ गाइस, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो गाइस ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने चैप्टर जनरल पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर आपने चैप्टर जनरल नहीं पढ़ रखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैप्टर जनरल जरूर पढ़ें, और अगर आपने अपने स्कूल में या ट्यूशन में किसी कारणवश चैप्टर जनरल नहीं पढ़ा है तो आप एमएस क्लासेस पर पढ़ सकते हैं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको सारी वीडियो चैप्टर जनरल की एट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 11th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना, वहां पे आपको चैप्टर जनरल की सारी वीडियो मिल जाएंगी और बहुत ही बेसिक से हमने उन वीडियो में चैप्टर जनरल जो है डिस्कस किया है। तो गाइस ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाना होगा और सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है वो हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए गाइस मैं जल्दी से सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेता हूं और उसके बाद फटाक से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो लीजिए गाइस, मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, इस तरह से हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनता है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में थोड़ा हमने डिटेल में जाके समझा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन सारी एंट्रीज को सिंगल कॉलम कैश बुक में डालना। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कैश लगा के हमने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसकी मुझे बताओ जनरल एंट्री क्या होगी, बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ जाएंगे और ये होती है हमारी क्रेडिट की साइड। कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो हम आगे डेबिट की साइड, और नाम किसका लिखेंगे, नाम हम लिखेंगे कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 20,000 रुपये अमाउंट है। उसके बाद डेट भी डाल लेंगे, 2017 मार्च 1st। क्लियर है, देखो गाइस ये जो पहली एंट्री है इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ गए, और नाम जो है गाइस हमेशा हम अपोजिट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कैश अकाउंट डेबिट, तो हम डेबिट की साइड आ गए, कैश का नाम नहीं आने का, क्यों, क्योंकि उसकी जगह दूसरा नाम आएगा जिसका नाम है टू कैपिटल अकाउंट। ये गाइस मैंने आपको लेजर में बात बताई थी कि जो भी हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट में हम उसका नाम यूज नहीं करते, इसलिए गाइस हमने कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा था, तो हम डेबिट की साइड तो आ गए, लेकिन हमने नाम किसका लिखा, कैश की जगह हमने किसका नाम लिखा, टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देखो गाइस ये क्वेश्चन करने के लिए गाइस आपको चैप्टर जनरल आना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप जनरल एंट्रीज आपको बनाना नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व कर लोगे, बताओ किस तरह सोल्व कर लोगे। मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ आपको कि देखो अगर आपके पास पैसा, यानी कि आपकी तरफ से अगर देखो
देखो गाइस, अगर आपके आप पे जो है पैसा आता है, ठीक है, अगर आपके पास पैसा आता है तो आप उसको इस साइड लिखोगे, अगर आपकी तरफ से पैसा जा रहा है तो आप उसको इस साइड लिख दोगे, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक उन बच्चों के लिए है जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, लेकिन नए बच्चों को मैं फिर बता दूं, देखो भाई चैप्टर जनरल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बिजनेस स्टार्ट लगाया, हमारे बिजनेस में पैसा आ गया, तो हमने इसको इस साइड लिख दिया और अपोजिट नाम यूज कर दिया। तो अपोजिट नाम कौन सा आएगा ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको इसके लिए जनरल एंट्री आना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं दूसरी एंट्री की, और दूसरी एंट्री में क्या लिखा है, ब्रोट गुड्स फॉर कैश, यानी गाइस हमने जो है इसमें गुड्स खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं, तो पैसा हमारी तरफ जा रहा है तो हम इस साइड लिख देंगे। वैसे इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, हम अपोजिट नाम हम लिखेंगे, यानी कि परचेस का नाम हम लिखेंगे। कितने की है परचेस, 5000 रुपये की हमने परचेस की है, और ये भी 2017 मार्च, उसके बाद दो मार्च को हमने ये एंट्री की, यानी परचेज करी हमने कैश में कितने की, 5000 रुपये की। उसके बाद 5 मार्च को क्या हो रहा है, सॉरी ये 2 मार्च को है, ठीक है, 2 मार्च को हमने परचेज करी है कितने की, 5000 रुपये की हमने परचेज करी है 2 मार्च को। उसके बाद 5 मार्च को क्या हो रहा है, 5 मार्च को हमने गए सामान बेच दिया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने सामान बेच दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम डेबिट के साइड आ जाएंगे और नाम किसका आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। और कितने की सेल करी है हमने, हमने करी है 4000 रुपये की, और ये करी है हमने 5 मार्च को। 10 को क्या हो रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये एंट्री ध्यान देने वाली है, इसको ध्यान से समझना। देखो भाई यहाँ पे जो है हमने सामान खरीदा है रवि से, लेकिन कैश में नहीं खरीदा है, हमने उससे उधार सामान खरीदा है क्रेडिट। तो गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, आप कहीं पे इसको नोट कर लेना, कैश बुक में वो सारी ट्रांजैक्शन आएंगी जो आपकी कैश से रिलेटेड होंगी। अगर गाइस वो एंट्री जो कैश से रिलेटेड नहीं है वो कैश बुक में नहीं आने की, जैसे कि ये कि हमने सामान तो परचेस किया है रवि से लेकिन उधार परचेस किया, तो ये एंट्री आपकी इसमें नहीं आएगी। उसके बाद 13 मार्च को क्या हो रहा है, पेड टू रवि, हमने रवि को कैश दे दिया, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और नाम किसका आएगा, रवि का नाम यहाँ पे आ जाएगा। कितने की है, 7000 रुपये, आप 7000 रुपये यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद देखो भाई ये जहाँ पे नाम आ जाता है पर्सनल अकाउंट के आगे, आप अकाउंट लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अधिकतर कोई जब पर्सनल अकाउंट होता है तो उसके साथ हम नाम यानी अकाउंट का वर्ड यूज़ नहीं करते। उसके बाद हम आते हैं 15 मार्च को, ये कौन सी, रवि को हमने कब पैसा दिया था, 13 मार्च को। उसके बाद आते हैं 15 मार्च को, 15 मार्च को क्या हुआ है, कैश में हमने सेल कर दिया, अगर कैश में सेल कर दोगे हमारे पास पैसा आया होगा, यानी कि एंट्री तो आएगी डेबिट साइड, और किस तरह से आएगी बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो मैं क्या लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने की करी है सेल, हमने करी है सेल 8000 रुपये की, और ये करी है हमने 15 मार्च को, ठीक है। उसके बाद 18 मार्च को क्या हो रहा है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश, हमने जो है फर्नीचर परचेस किया है कैश में, और इसकी एंट्री कैसे होगी बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे और नाम हम किसका लिखेंगे, फर्नीचर का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कितने की करिए, 6000 रुपये की। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, देखो अगर यहाँ पे ये लिखा होता परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हम यहाँ पे क्या लिखते बताओ, यहाँ पे हम फिर परचेज लिखते। ये बात गाइस मैंने अपने चैप्टर जर्नल में बता रखी है, एक बार फिर बता देता हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दे रखा हो, गुड्स की जगह पर्टिकुलर किसी एसेट्स का नाम दे रखा हो, तो हम उस एसेट्स का नाम यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एंट्री में दे रखा है परचेज फर्नीचर, हमने क्या करा, परचेज किया फर्नीचर, यहाँ पर्टिकुलर एक एसेट्स का नाम दे दिया, तो इसलिए हमने उस एसेट्स का यहाँ पे नाम लिखा। अगर यहाँ पे होता परचेज गुड्स तो फिर हम यहाँ पे परचेज लिखते। और ये कब हो रही है, ये हो रही है आपकी 18 मार्च को। उसके बाद आते हैं हम 20 मार्च को, 20 मार्च में क्या हो रहा है, पेड वेजेस, हमने जो है गाइस वेजेस दे दिए, तो वेजेस की एंट्री क्या होगी, वेजेस एक तरह से हमारा एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्या लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। और कितनी वेजेस दे रहे हैं हम उसको, 380 रुपये हम उसको वेजेस दे रहे हैं, और दे रहे हैं 20 मार्च को। उसके बाद 24 मार्च को क्या हो रहा है, रेंट पेड हो रहा है, तो उसकी भी एंट्री जो है इस साइड आ जाएगी, बाय रेंट अकाउंट, कितनी, 400 रुपये,
इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड आ गए और नाम किसका आ जाएगा बाय रेंट का। उसके बाद 26 मार्च को क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव यानी कि पैसा हमें मिल रहा है, तो एंट्री क्या होगी बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो आप इस साइड लिख दोगे कमीशन अकाउंट, ठीक है। कितनी कमीशन मिल रही है, 600 रुपये हमें कमीशन मिल रही है, और कब मिल रही है 26 तारीख को, तो आप यहाँ पे डेट भी लिख दो। चलिए गाइस 28 मार्च की तारीख पे हम चलते हैं। 28 मार्च को क्या हो रहा है, 28 मार्च को विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकाला गया, कितना पैसा 1000 रुपये निकाले गए हैं, तो इसके जनरल एंट्री क्या होगी बताओ मुझे, पैसा निकालना है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट के साइड आ जाएंगे और नाम किसका यूज़ करेंगे हम ड्रॉइंग का, क्योंकि जब भी हम बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको हम ड्रॉइंग के नाम से लिखते हैं, और आप यहाँ पे लिख दोगे 28 मार्च 1000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाल लिया, ठीक है। लास्ट एंट्री आती है हमारी यानी कि 31 मार्च को क्या हो रहा है, सैलरी दे रहे हम, सैलरी पेड सैलरी, तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट, बताओ सैलरी अकाउंट डेबिट हाँ टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है हमारा, कैश हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट की साइड आ जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे कि हमने जो है सैलरी दे दी है बाय सैलरी अकाउंट, और कितने की दी है सैलरी, 900 रुपये की, बस बहुत कम सैलरी दी है ना, कंजूस बिजनेस यानी कि कंजूस बॉस होगा कोई, ठीक है। तो चलिए गाइस ये हमारे जो है सारी एंट्री हो चुकी है कंप्लीट, अब चलिए हम जल्दी से कर लेते हैं टोटल। तो गाइस टोटल करना मैंने आपको बता रखा है किस तरह टोटल करते हैं, अगर आप नए हैं तो देख लीजिए। देखो भाई हम दोनों साइड टोटल करेंगे, पहले मैं इस साइड टोटल कर लेता हूँ, इस साइड टोटल आएगा 20 और 4 और 8 और 600, ये आएगा इस आपका 32600, 32600, क्लियर है। हम इस साइड टोटल भी कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा इस 20680 रुपये इस साइड का टोटल आएगा, ठीक है। लेकिन गाइस इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, इन दोनों में ये वाला ज़्यादा है, तो हम इसको दोनों साइड लिख देंगे 32600, ठीक है, और इधर भी 32600, और आप इधर इसके नीचे जो है डबल लाइन कर दोगे, ठीक है। कमी किस साइड है, इस साइड है, कितनी कमी है, ये जो है गाइस आप जो है 32600 में से 20680 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आएंगे गाइस आपके 19920 रुपये जो है गाइस आपका ये इस साइड का बैलेंस आएगा, यानी किस नाम से लिखेंगे, और इस बैलेंस को हम बाय बैलेंस सीडी, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दोगे हमारा ये क्या आया है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है, ठीक है। तो एक और बात गाइस, जो आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो लास्ट में इस साइड ही बचेगा, ठीक है। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर कैश बुक का इस साइड बचता है तो समझ लेना आपकी जो कैश बुक है ये गलत है, ये इससे प्रीवियस वाली वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि कैश बुक में जो बैलेंस बचेगा वो हमेशा इस साइड बचेगा। डेट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डेट क्या आएगी, देखो गाइस मार्च चल रहा है ना, तो जो हमारा बैलेंस शीट निकलेगा ये भी लास्ट की तारीख को ही निकलेगा, तो आप यहाँ पे 31 मार्च को यानी कि हम अकाउंट्स अपने क्लोज कर रहे होंगे, तो 31 मार्च गाइस आप यहाँ पे लिख दोगे 31 मार्च को हमारा बैलेंस शीट कितना है 11920। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस इसके अलावा अगर क्लास 11th अकाउंट्स की बुक में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो गाइस उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है 11th अकाउंट्स डाउट ग्रुप, उस ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 11th अकाउंट्स डाउट ग्रुप। लेकिन गाइस कंडीशन एक है, जो ये लिंक है ये टेलीग्राम ऐप में ही ओपन होगा, तो सबसे पहले गाइस आपने प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद गाइस इस वाले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसको ओपन कर लेना है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है क्लास 11th अकाउंट्स की बुक में से तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम और हमारी टीम जो है गाइस विद इन 24 आवर आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेगी। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को एंड करने से पहले एक और बात, हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक छोड़ देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम कैश बुक के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।